हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एडमिशन प्रोसीजर फॉर MBBS इन रशिया। बट बिफोर दैट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन बिलो सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। So your age must be 17 by end year of your admission, and your NEET must be qualified, and your score must be above 50% in physics, chemistry and biology in 10th and 12th. Now let's talk about documents required. First is your passport, your 10th and 12th mark sheets, passing certificate, NEET scorecard, Aadhaar card, PAN card and HIV report also. So ab start karte hain main admission procedure. First you have to select university according to your budget and desired features. Just make sure NMC approved ho. Then after that you have to hire any consultancy jo aapka sara documentation work karwa de. Yahan pe main kisi bhi consultancy ko promote nahi kar rahi. You can choose consultancy according to your choice. Be aware of fraud. So I can give you some tips here, like how you can choose consultancy. You can trust those jo yahan pe aa chuke hain. लाइक आपकी सिटी से कोई आपको वो कंसल्टेंसी प्रेफर करे जो ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी में आ चुका है, दिस इज़ द वन वे। और द अदर वे, यू कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। उधर जाके आपको एडमिशन पोर्टल मिलेगा। एडमिशन पोर्टल में आपको उस यूनिवर्सिटी के सारे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे। गो देयर एंड सिलेक्ट द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। सो आप वहाँ से उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो और वो आपको थ्रू आउट गाइड करेंगे। अब आपने जो भी कंसल्टेंसी चूज़ की है, उसका जो भी एजेंट है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी लेकर जाएगा फॉर वेरिफिकेशन। यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी एंड इफ़ आप उनके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो सो वो आपको कंसीडर करेंगे। उसके बाद उस यूनिवर्सिटी का जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बारे में आपको आपके एजेंट के थ्रू पता चल जाएगा। वो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, वो क्लियर हो जाता है। सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाने के बाद यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर सेंड कर देगी और उसके कुछ टाइम के बाद आपको इनविटेशन लेटर भी सेंड कर देगी। यूनिवर्सिटी इनविटेशन लेटर तब सेंड करेगी जब यूनिवर्सिटी को लग रहा है कि अब इस स्टूडेंट को हमें अपनी कंट्री बुला लेना चाहिए। एंड उसके बाद जब आपको एडमिशन लेटर और इनविटेशन लेटर मिल गया, ये लेटर इंपॉर्टेंट है फॉर वीज़ा वर्क। उसके बाद आपका एडमिशन लेटर और इन्विटेशन लेटर जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर ऑफ रशियन फेडरेशन के पास, जहाँ से वो आपको वीज़ा देंगे। एक बार जब आपने अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपका एजेंट आपको बताएगा आपको किस दिन की फ़्लाइट टिकट को बुक करना है। एंड आप इंडिया से एक ग्रुप के साथ जाओगे, जो बच्चे उस कंसल्टेंसी के थ्रू और जा रहे होंगे वो सब आपके साथ जाएंगे। एंड एयरपोर्ट में भी आपको कोई ना कोई रिसीव करने आएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो आपको अकेले ही हॉस्टल भेज देंगे। वहाँ पे जो भी आपको रिसीव करने आएगा, वो आपको हॉस्टल लेके जाएंगे, आपको वहाँ जाके रूम्स अलॉट होंगे। सो या दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट एडमिशन प्रोसीजर। If you found this video helpful, so please don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Stay tuned for more videos. Goodbye.